अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? नाश्ता करने के लिए बैठो ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं लेके आऊंगी। हाँ अरे पर प्यासे है ना बुआ। मैं ले आती हूँ। जाती हूँ। हाँ मैं ले आती हूँ, ऐसा कहा? वहाँ वहाँ कहाँ? नहीं तू तूने फिर से नहीं लगाया ना, तू फिर से भूल गई ना। स्कूल गई? बचपन में गई थी ना वो तो। तूने मशीन नहीं लगाई मानसी। कान की मशीन कहाँ है? अरे हाँ, मशीन पहनना भूल गई मैं, है ना? हाँ। मैं पहन कर आती हूँ। हाँ। ये उत्तरा की लाश फ्रिज में कैसे आ? पता नहीं चाची, शायद रुद्र इस लाश को बाहर नहीं ले जा पाया होगा, इसलिए उसने फ्रिज में। मैं पानी लेके जाती हूँ, इसको पहले जल्दी यहाँ से निकाल। जल्दी इस लाश का मैं क्या करूं? शिवांगी वो सॉरी शिवांगी, मैं लाश को घर से बाहर नहीं ले जा सका। थैंक गॉड रुद्र तुम आ गए, मैं तो बहुत डर गई थी। चलो इसे यहां से निकालते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी वहां सब लोग हैं। मानसी बुआ यहीं आ रही है, अब क्या करें? अरे हर बार ना मैं मशीन पहनना भूल जाती हूँ। ओहो और तुम लोगों को परेशान करती रहती हूँ, समझ ही नहीं आता क्यों भूल जाती हूँ। वो ना मानसी, मैंने सबको पानी पिला दिया है, दे दिया। थैंक यू सो मच। आती हूँ मैं। हाँ दीदी तो यहाँ पर बैठी हुई है, तो फिर कुछ चाहिए बुआ? नहीं नहीं मानसी, कहीं कान के साथ तेरी आंखें भी तो खराब नहीं हो गई? रुद्र सब खाना खाकर रेस्ट कर रहे हैं, रॉकी भी किसी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ है, यही सही समय है, हम इस लाश को कहीं लेकर जाते हैं। रुद्र जरा संभाल के, तुम किसी की नजर में मत आना। ठीक है फिर मैं निधि का रूप ले लेता हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा। रुद्र अब ये लाश घंटों से फ्रिज में है। फ्रिज में रहने की वजह से लाश बहुत भारी हो गई है, तुम रुको मैं निकालता हूं। हेलो, हाँ वरुण हाय। हाँ मैं गया था वहां पर लेकिन कुछ और काम था। अच्छा तुमने पता लगाया? नहीं वरुण मुझे केतन का नंबर नहीं चाहिए, ही इज अ वेट, वो एक एनिमल एक्सपर्ट है, मुझे ऐसे आदमी का नंबर चाहिए। You know what, forget it actually. नहीं मैं पता लगा लूंगा, it's okay. Fine.
तब कैसे कि उन लोगों से कि मुझे इच्छाधारी नागू के बारे में जानना है। उफ, दिमाग घूम गया। I think I need something cool. फ्रिज में देखता हूँ क्या है वहां पे। ये तो बहुत भारी है, तुम नहीं उठा पाओगे। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा, तुम ध्यान दो कहीं कोई आ ना जाए। अच्छा मैं भी हेल्प करती हूँ, एक मिनट चलो। हाँ आलिया, वो फोन उठाओ तुम, मैं बस कुछ पीकर आया, प्यास ही लगी है। रॉकी, उत्तरमासी आंखें खुली, उत्तरमासी शिवांगी बड़ी बा उत्तर। उत्तरमासी, इनकी तो मौत, सिर पे ये सांप, सांप के डसने का निशान, घर में सांप है। इनकी मौत सांप के डसने से हुई है, आपके घर में कोई सांप घुसा है। वैसे इनकी बॉडी को देखने से तो लगता है कई घंटों पहले इन्हें सांप ने डसा है। और कई घंटों पहले ही इनकी मौत हो चुकी है। कई घंटे पहले मतलब कितने पहले? ये कोई 12 घंटे पहले, 12 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब उत्तरमासी कल रात को ही मर गई थी और सुबह से सब किचन में आ जा रहे थे, पर किसी ने उनको वहां देखा नहीं। मतलब उनकी लाश वहां पर नहीं थी, तो फिर किचन में आई कैसे, कौन लाया? वैसे मिस्टर रॉकी, आपको ये बॉडी कहां मिली? गार्डन में। रॉकी ने झूठ क्यों बोला? किसकी लाश गार्डन में? ओके, इनकी मौत सांप के डसने से हुई है, इसलिए कोई केस तो बनता ही नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा, ऐसा लगता है कि आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास कोई सांप है। टेक केयर। देखिए, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उत्तरमासी हमारे यहाँ काम तो करती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मेरे लिए भी। जानता हूँ बड़ी माँ। अरे तू नहीं जानता इसे किस नाग या नागिन ने डसा है? कहीं रुद्र ने तो नहीं डसा? हाँ बड़ी माँ, उसी ने तो कहा था, इंस्पेक्टर ने, कि हमारे घर में सांप घुसा है, हमारे घर में। हमारे पीठ पीछे, या ये कहो कि हम सबके बीच ये बहुत बड़ा खेल खेल रहा है बड़ी माँ। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन इतनी सारी मौतें, वो भी अचानक, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। समझ में आता कि वो कौन है, लेकिन कोई तो है। हम सबको बच के रहना होगा, ये सबकी जान खतरे में है। वो इंसान नजर के सामने तो है, पर नजर नहीं आ रहा। अगर कोई भी इसके बारे में कुछ जानता हो या सांप के बारे में कुछ जानता हो तो प्लीज मुझे आके बताएं, मैं इंतजार करूंगा। रॉकी ने झूठ क्यों कहा कि उसे लाश गार्डन में मिली? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो सच में कुछ जानता है? जानता है तो क्या? अब मुझे बहुत सतर्क रहना होगा।
पहली बार किसी को मारने का मेरा प्लान बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ है। अब मेरी एक छोटी सी गलती भी मुझे बहुत भारी पड़ जाएगी। रॉकी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, अभी पता लगाती हूँ क्या। वो हवेली, वो नागमणि की कहानियां, नाग नागिन, रुद्र एक नाग, इस घर में अचानक इतनी मौतें, और अब अचानक उत्तरा मासी की मौत, वो भी सांप के काटने से। गॉड, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया। घर में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी अचानक। मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। वाई वाई।